मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे पनीर की सब्जी बिना झंझट के और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगी ये सब्जी हमारी। रमास्क्यू की इंग्लिश रेसिपी को सब्सक्राइब करें और वीडियो की तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हमने लिया है 200 ग्राम पनीर। तो सबसे पहले हम पनीर को काट लेते हैं, छोटे या बड़े क्यूब आप जैसा चाहें आप काट सकते हैं इसे। तो इस तरीके से इसे पहले हम काट लेंगे। तो इस तरीके से इसके छोटे छोटे क्यूब्स हम काट लेंगे। तो मैंने पनीर को काट लिया है, तो इसे हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। तो चलिए अब हम इसके अंदर थोड़े से मसाले डालते हैं। थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, एक छोटा चौथाई चम्मच, एक चौथाई चम्मच गरम मसाला पाउडर, 3 से 4 पिंच हल्दी पाउडर और एक छोटा चौथाई चम्मच नमक डाल देंगे और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने पनीर के टुकड़ों में अच्छी तरीके से मसाले लगा दिए हैं। तो अगर आप इस तरीके से बनाएंगे पनीर की सब्जी तो ये टाइट नहीं बनेगा। अक्सर क्या होता है, हम लोग पनीर के टुकड़ों को फ्राई करते हैं तो चिंगम की तरह अजीब सा हो जाता है, कूचने में बहुत परेशानी होती, खाने में टेस्टी नहीं लगता। तो इसे बहुत आसान तरीके से आपको बताएंगे बनाना, इसे बहुत टेस्टी बनेगा। तो हमने गैस पर कढ़ाई रख दी है, गैस को मैंने ऑन कर दिया है और अब हम इसके अंदर तेल डाल देंगे। कोई भी कुकिंग ऑयल आप ले सकते हैं। तो 4 बड़े चम्मच करीब तेल है, इसे हम इसके अंदर डालेंगे और इसे गर्म होने देंगे। तो तेल हमारा अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हम गैस को बंद कर देंगे और अब हम इसके अंदर पनीर के टुकड़ों को डालेंगे। तो अक्सर हम लोग क्या करते हैं, गैस जलती रहती है और हम इसे तेल में फ्राई करते हैं, इससे क्या होता है पनीर हमारा टाइट हो जाता है और ये चिंगम की तरह बन जाता है। तो इसे हम 10 से 20 सेकंड के लिए खाली इस तरीके से इसे भून लेंगे। और गैस को मैंने बंद किया है, जलती हुई गैस पे हमें इसे नहीं भूनना है। तो इसे हल्का सा हम फ्राई करते हैं। तो चलिए हम पनीर को निकाल लेते हैं। तो मैंने पनीर को निकाल लिया है, तो चलिए अब हम इसकी ग्रेवी बनाते हैं। तो जो बचा हुआ तेल है मैंने इसे कढ़ाई में छोड़ दिया है। तो अब हम इसके अंदर ये तड़का लगाएंगे। हमने लिया है एक टुकड़ा दालचीनी का, 2 लौंग और 2 इलायची। इलायची को मैंने छील लिया है बीच से। तो अब इसके अंदर इसे डाल देंगे, हल्का से इसे भूनेंगे। तो अब हम इसके अंदर डालेंगे अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट। मैंने 5 से 6 कलियां लहसुन का, एक टुकड़ा अदरक का और एक हरी मिर्च को कूट लिया है, इसे हम इसके अंदर डालेंगे। आप चाहे इसका पेस्ट भी बना सकते हैं। और इसके साथ ही इसमें डालेंगे प्याज, हमने 2 प्याज को पीस लिया है, तो इसे भी इसके अंदर हम डाल लेते हैं। मीडियम आंच पर 2 मिनट तक इसे हम भून लेंगे। तो चलिए अब हम इसके अंदर कुछ सूखे मसाले डालते हैं। तो हमने लिया है 1/2 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, इसे डाल देंगे। 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर, मसाले कम या ज़्यादा कर सकते हैं आप अपनी पसंद से। 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, इसे मिला देते हैं। 1 मिनट तक इसे हम भूनेंगे और 1 मिनट भून जाने के बाद इसके अंदर हम डालेंगे टमाटर की प्यूरी। मैंने 2 मीडियम साइज के टमाटर को पीस कर तैयार कर लिया है। तो टमाटर और प्याज को मैंने पीस कर पहले से रखा है, अगर आप चाहें तो इसे मोटे मोटे टुकड़ों में काट लें और इसे फ्राई करें फिर इसे पीस कर डालें। तो वैसे भी बहुत स्वादिष्ट बनता है और इस तरीके से बनाएंगे तब भी ये बहुत टेस्टी बनता है। बस ये जल्दी हो जाता है, इस तरीके से अगर हम बनाते हैं तो टेस्टी भी बनता है और फटाफट बन जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता हमें बनाने में इसे। तो मैंने इसे पहले से ही पीस करके रखा है। तो मसाले हमें अच्छी तरीके से भूनना है, तो थोड़ा सा इसके अंदर हम पानी डालते हैं। तो इसके अंदर जिसमें हमने हल्दी रखा था उसी कटोरी से पानी डाल रहे हैं, 4 चम्मच पानी है, तो इसमें हम डाल देते हैं और इसे मिला देंगे। तो आज को हमें स्लो मीडियम पर कर देना है जिससे मसाले हमारे बहुत अच्छी तरीके से पके। और मसाले अगर हमारे अच्छे से पकेंगे तो सब्जी हमारी बहुत अच्छी बनेगी। तो इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे और इसे पकने देंगे जब तक तेल अलग नहीं हो जाता है, हमें मसाले पका लेने हैं। तो मसाला हमारा अच्छी तरीके से पक चुका है, आप देख सकते हैं मसाला और तेल अलग हो गया है और मसाले से अच्छी खुशबू आने लगी है। तो अब हम इसके अंदर पानी डालेंगे। तो हमने 1/2 ग्लास पानी लिया है, आपको जितनी ग्रेवी रखनी है उस हिसाब से आपको पानी डालना है। अगर आपको पनीर चावल से खाना है तो आप 1 ग्लास पानी डाल सकते हैं, रोटी पराठे या फिर पूरी के साथ खाना है तो थोड़ा सा गाढ़ा ही अच्छा लगता है। तो हमने 1/2 ग्लास पानी डाल दिया है और इसके साथ ही इसमें हम डालेंगे नमक। तो स्वाद अनुसार नमक डालना है, हमने 1 छोटा चम्मच नमक ले लिया है
इसे अच्छी तरीके से बॉईल होने देंगे। तो आप देख सकते हैं मसाला हमारा अच्छी तरीके से उबलने लगा है और मैंने इसे 2 मिनट तक उबाल लिया है। तो अब हम इसके अंदर ये पनीर के क्यूब्स डाल देंगे। इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे और इसके साथ ही इसमें डालेंगे हम कसूरी मेथी, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अगर आपके पास है तो जरूर डालें। इसे मिला देते हैं और स्लो मीडियम पर इसे हम 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे और ऊपर से ढक्कन लगा देंगे। बीच बीच में इसे हम चेक करते रहेंगे। तो चलिए हम सब्जी को चेक कर लेते हैं। तो मैंने इसे 4 से 5 मिनट तक पका लिया है और आप देख सकते हैं सब्जी हमारी काफ़ी गाढ़ी हो गई है और इसकी ग्रेवी आप देख सकते हैं कितनी अच्छी लग रही है देखने में, गाढ़ी हो गई है। इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं देखने में कितना अच्छा लग रहा है और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो आपने देखा इस तरीके से फटाफट ही सब्जी बन जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और खाने में तो लाजवाब होती है। आप एक बार इस तरीके से इसे बनाकर देखिएगा। तो बस अब हम गैस को बंद कर देते हैं और इसे बाउल में निकालते हैं। इसे हरे धनी से गार्निश कर देते हैं और हमारी बहुत ही टेस्टी पनीर की सब्जी बनकर तैयार हो गई है। आप इसे अपने मन पसंद रोटी, चावल, पराठे किसी के साथ दिखाइए, बहुत टेस्टी लगती है खाने में और बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। तो इस तरीके से आप पनीर की सब्जी बनाइए, खाइए और हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपकी सब्जी कैसी बनी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।